given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. Hey guys, welcome back to the channel. This is your host and dost Ankit Desai, aka Hell Rocker. तो कैसी है Hell Rocker आर्मी? मजे ही होंगे, सब घर में बढ़िया ही होंगे. तो चलो आज का शाउट आउट करते हैं और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं. तो आज का शाउट आउट जाता है मोक्ष शाह को. बाई योर वीडियो आर ऑसम. आपको साक्षात प्रणाम भाई. प्रणाम आपको भी प्रणाम. आई लव टू सी योर सी अवर वीडियो एंड बाइक राइड्स आर सो गुड. योर वीडियो मीन्स ही वॉन्ट टू से योर वीडियोज एंड बाइक राइड्स आर सो गुड. माई बेस्ट विशेज टू यू रीचिंग 10,000 सब्सक्राइबर सून. आई विल कीप सपोर्टिंग यू. लव फ्रॉम नडियाद गुजरात. तो थैंक यू मोक्स भाई, थैंक यू एम कैपिटल. समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच. और बस जा रहे आनंद, एक चीज़ खरीदनी है, आपको आगे जाके बताते हैं कि कौन सी चीज़ है वो. और वो हमने खरीदी है ईएमआई से. भाई पैसे वैसे ख़त्म हो गए अपने पास, अभी है नहीं, तो सोचा कि अभी ज़रूरत तो थी लेने की, तो ले लेते हैं अभी, क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं और ईएमआई भरते हैं. ठीक है, 12 महीने में अपनी हो जाएगी चीज़, छोटी छोटी किस्तें भर के ले लेते हैं. ठीक है, तो चलो एक फ्रेंड आ रहा है, उनको लेके जा रहा हूँ, तो डायरेक्टली आपको गाड़ी में मिलता हूँ. ठीक है, मुझे रेडी होना बाकी है. ये देखो ऐसी हालत में हूँ. वैसे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, पर बाहर जाते हैं तो थोड़ा पहन लेते हैं कपड़े. ठीक है, चलो मिलते हैं गाड़ी के अंदर. तो भाई लोग, हम लोग वापस आ गए. मैंने जैसे घर पे बोला, हम लोग जा रहे हैं आनंद. और आई होप आपको शाउट आउट अच्छा लग रहा है Hell Rocker आर्मी. मज़ा आ रहा है शाउट आउट से. तो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे कमेंट करते रहिए. आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो. वैसे तो कुछ ज़्यादा फायदा उससे पैसे नहीं मिलते, बट YouTube पे वीडियो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट होगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. और हम लोग जा रहे हैं आनंद, जैसे मैंने आपको बताया. और मेरे साथ है कौन, कौन है कमेंट में बताओ कौन है. बाजू में ही बैठे, अगर आपको हाथ दिख रहा हो तो. भाई आकाश नहीं है. आपका कॉमन आंसर होता है कि आकाश आकाश आकाश. आकाश नहीं है मेरे साथ, मेरे साथ है छोटू सलमान का धवल भाई. How are you guys? तो धवल भाई, Rocker आर्मी कैसी है भाई? देखा, डीपी द ब्लॉगर बोल रहे हैं Hell Rocker आर्मी कैसी है. भाई कैसी है बता रहे, कमेंट में बता देना कि कैसी है Hell Rocker आर्मी. और बस देखो धवल भाई, बड़े लोग तीन तीन बाइक वाले भाई, हम तो सोच ही नहीं सकते तीन बाइक एक साथ रखने का. धवल भाई क्या कुछ हमारा मन जानता है, तीन कुछ कुबेर का खजाना वजाना मिला है क्या? पागल हो गया हूँ इसलिए तीन तीन बाइक रखा हूँ अभी. तो धवल भाई, जिस जिनको जिन जिन ने उनका वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए बता दूं कि उन्होंने, उनके पास है एक होंडा CBR 600F 2003 वाली, दूसरी उनके पास है होंडा CBR 600F अगेन न्यू मॉडल 2015, और दूसरी है बेनेली GT 600i जो है टूरिंग बाइक. और ये हमेशा ही होता है, इनका फोन हमेशा ही बजता रहता है और हमारे व्लॉग की टूट टूट हो जाती है. पर हम व्लॉगिंग बंद नहीं करेंगे. थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि इसमें पैसे वाला कौन है. अभी 10-15 मिनट के बाद जब व्लॉग में आपको बताएंगे अंकित क्या खरीद रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि अंकित ने क्या खरीदा है और पैसे वाला कौन है. भाई ऐसी कोई खास महंगी चीज नहीं खरीदी है. अपने को अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी तो ले ली है, क्योंकि उसकी जरूरत है. आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना है और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोगों से करवाएं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आगे जाके मुझे फायदा हो. नहीं नहीं, अंकित इज रियली गोइंग ग्रेट. बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छे करते हैं. तो मैं सभी आपकी जो Hell Rocker आर्मी है उससे यही गुजारिश है कि अंकित के व्लॉग्स को आप सपोर्ट कीजिए, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इंसिस्ट कीजिए कि व्लॉग्स देखिए और शेयर कीजिए, बिकॉज ही इज मेकिंग रियली गुड वीडियोस. हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि कई लोग पूछ रहे थे भाई एड चालू हो गया, कितना पैसा कमा रहे हो, 10,000 20,000 30,000 40,000, कई लोगों तो 3-3, 4-4 लाख भी लिख दिया था. भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है. आपको ऐसा लगता है कि पैसे मिलते हैं, जब कोई YouTube चैनल चालू होता है तो उसमें इतना पैसा नहीं मिलता है. अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी शर्म आ रही है कि मुझे अभी तक खाली $4 मिले.
एक वीडियो डालता हूँ 20 रुपए मिलते हैं, 20 रुपए 20 रुपए में तो यार क्या ही आएगा। मैं घर से बाइक नीचे वार्म अप के लिए निकालता हूँ, उसमें ही 20 रुपए का तो पेट्रोल जल जाता है। तो भाई बहुत ही हार्ड है यूट्यूब पे आना और उसके बाद पैसा कमाना, उसके लिए टाइम लगता है और बहुत टाइम लग जाता है। आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अच्छी चीज कंटेंट देनी पड़ेगी, अच्छा अपग्रेड करना पड़ेगा आपकी जो जितने भी एसेसरीज है, जैसे कि कैमरा हो गया, कुछ भी हो गया, तभी जाके लोग आगे आपको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई के 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो, ठीक है। मम्मी पापा आजू बाजू अपने दोस्त लोग सबको बोलो सब्सक्राइब करें और हेल रॉकर का वीडियो देखें, बस देखना है। और वीडियो भी, वीडियो के ऊपर ऐड आती है उसको स्किप मत करिए, उससे थोड़ा सा पैसा मिलता है, 10 पैसा 5 पैसा पता नहीं, पता नहीं YouTube कैसे काउंट करता है, 10 पैसा 5 पैसा मिलता है लगता है, जब जिस हिसाब से पैसे जमा होते हैं एक वीडियो में 1,000 व्यू के ऊपर, मुझे लगता है कि एक 10 पैसा हाँ एक ऐड के ऊपर 10 पैसा लगता है, 5 पैसा या 10 पैसा ही मिलता होगा अगर मैं काउंट करूँ तो। तो चलो अभी आनंद जाके मिलते हैं आप लोगों को, बहुत गर्मी लग रही है, एसी बंद कर दिया है और बाहर धूप है, ठीक है। तो आपको आनंद जाके मिलता हूं। तो मैं आनंद पहुंचू उससे पहले मुझे ये शूट करना पड़ा, धवल भाई ने अभी पैर नीचे ले लिए। धवल भाई बताओ आप कैसे बैठे हुए थे सेट की तरह सर। मम्मू की गाड़ी है, मम्मू की गाड़ी में ऐश है हम लोग को तो। सर अंकित गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग ऐश कर रहे हैं। सर कुछ ठंडा ठंडा या गर्म कुछ चाहिए आपको सर? ये हाईवे पे कुछ मिलता है तू मुझे बता, इधर ये हाईवे पे क्या मिलता है इधर, ये सब देखना सिर्फ गाय भैंस है, इनका दूध मिल सकता है और कुछ भी नहीं मिल सकता भाई ये हाईवे पे। देखो एक्सप्रेस हाईवे पे सेठ सेठ लग देख लो, सेठ लोग देख लो और हम नौकर लोग देख लो बैठे हुए। मजे है अंकित की गाड़ी में। बस देखो अंकित की दूसरी गाड़ी भाई, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज सेकंड कार इनके पास भी भाई, एक फोर्ड इको स्पोर्ट एंड सेकंड वन टेरेनो, आज हम निसान टेरेनो में घूम रहे हैं। ओह माय गॉड वाओ, मम्मू भी बड़े इंसान है यार। भाई बड़े नहीं, इस बार भी मैं अपना मेन कैमरा घर पे भूल गया हूँ और फोन के ऊपर शूट कर रहा हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो यार भी भाई, ये आईफोन 11 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं तो इनकी भी क्लैरिटी नंबर वन है। धवल भाई मेरी, धवल भाई मेरी समझ गए ना आप लोग। ए भाई क्या बोलू अभी। सबको दूसरे का घर ही अच्छा लगता है, अपना घर किसी को अच्छा नहीं लगता है। वैसा है, चलो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, धवल भाई की सेहत सही भी दिखा नहीं थी आप लोगों को तो वापिस आए थे। चलो मिलते हैं अभी डायरेक्टली आनंद। 2000 years later सो हे गाइस, हम लोग आ गए वापिस। बहुत एक्साइटमेंट थी, नई चीज़ की बहुत एक्साइटमेंट थी, तो ज़्यादा व्लॉग वहाँ पे हुआ नहीं और मैंने किया भी नहीं एक्चुअली। मैंने सोचा कि घर जाके अनबॉक्सिंग करता हूँ, उसके बाद ही आपको दिखा दो कि मैंने क्या बाय किया है। और मैं और धवल भाई वापस आ गए, आगे उनको छोड़ दिया, वो अपने घर चले गए। और आज हमारे साथ है अनबॉक्सिंग में मानंक, हाय करो। सो मानंक इज ऑल्सो सेइंग हाई टू यू। तो अपनी चीज में दिखाता हूँ, दूर से आपको पता चल सकता है तो कि क्या लाए हैं हम, और अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, वहाँ पे भी बहुत एक्साइटेड था, तो ये कैमरा नहीं था तो मज़ा नहीं आ रहा था फ़ोन से शूट करने में मेरे को, तो मैंने सोचा कि घर जाके ही अनबॉक्सिंग करेंगे। और मानंक आर यू रेडी, मानंक Are you ready? Say yes. मानंक को शर्म आ गई है, he is not ready, but I am ready. तो चलो नेहा आती है उसके बाद अनबॉक्सिंग चालू करते हैं, बिकॉज कैमरा एक साइड पकड़ना पड़ेगा, अपने पास यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे रख सके। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ दूर से बॉक्स, अगर आपको पता चल रहा है तो। चलो तो मिलते हैं नेहा के आने के बाद। People in-
wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, work on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. ઉપર જઈને આવશે. હમણાં થોડી ચંદા મામા દેખાશે, હમણાં તો સુરજ દેખાશે. સુરજ દાદા, આપ લોકોને સિનેમેટિક્સ એન્જોય કરી લીધો હોંગે. મેને બોલાતા નહીં આતી ઉસકે બાદ અનબોક્સિંગ કરતા હું તો મેને સોચા ઉસસે પહેલે સિનેમેટિક્સ કર લેતા હું. ઓર માના દેખો કિતના પ્યારા લગ રહા હૈ, ઠીક હૈ. ઓર યે પીછે એટમોસ્ફિયર ભી આજ અપના નયા લોકેશન ખુદા હૈ ફોર અનબોક્સિંગ ઓફ ધીસ બેબી. बहुत टाइम से लेना था, बहुत महंगा भी है पर सोचा ले ही लेते हैं, अच्छी डील मिल रही थी. तो अनबॉक्सिंग तो खैर मैंने देख लिया है खोल के, बट उसके जो पार्ट्स आते हैं जैसे कि ड्रोन हो गया ये वो, उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं वो सील किया हुआ है वो नहीं निकाला है, क्योंकि हम लोग अननोन पर्सन के पास लेने गए थे. अपने को अच्छे में डील मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, तो सोचा ले लेते हैं. बट अननोन पर्सन था तो हमने सोचा कि वहाँ पे पहले अनबॉक्स कर देते हैं उसके सामने, उसके बाद पेमेंट करेंगे कि जेन्युइन चीज़ है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर दिया था. ठीक है, चलो अभी इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या है वो दिखाते हैं. ठीक है, नैंटन. तो ये है अपना DJI Mavic का बॉक्स, और हम लोगों ने बाय किया है फ्लाई मोर कॉम्बो. DJI Mavic Fly More Combo हमने परचेस किया है, तो उसके साथ बैटरीज और वो सब आ जाता है. तो ये रहा अपना की, इसको खोलेंगे. मानांक, डैडी इज रिकॉर्डिंग मैन. मानांक समझने के लिए तैयार नहीं है उसकी वजह से हम नीचे से ऊपर तक आए. बोलता है ऊपर जाऊंगा तो आवाज़ नहीं करूंगा, फिर भी आवाज़ कर रहा है, तो बेयर विद मी क्योंकि वो चुप नहीं रहने वाला है. ठीक है, तो ये रहा अपना खुशियों का खजाना. आप देख सकते हो, देखो ये सील अभी भी मैंने नहीं खोला है क्योंकि मुझे अनबॉक्सिंग में खोलना था, उसकी वजह से ये सारा. और ये है अपना छोटा सा DJI Mavic Mini. कितना छोटा है यार और कितना हल्का है, मज़ा आएगा अभी आप लोगों को ड्रोन शॉट देखने के लिए. तो उसके साथ आता है एक ड्रोन, ये है सारे प्रोपेलर्स, पता नहीं प्रोपेलर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंस किया है, प्लीज बेयर विथ मी उसके लिए. तो ये सब मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, मैंने खोला नहीं है अभी तक. देखो ये पन्नी वन्नी नहीं निकाली है. ये है उसका बैटरी कवर जिसके अंदर हम बैटरी चार्ज करेंगे, और ये विंड भी आ रही है मेरे ख्याल से, उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, तो बेयर कर दीजिएगा मेरे साथ. और नेहा मेरे हिसाब से अच्छा जॉब करते हुए पता नहीं. ये है उसके साथ केबल्स, ये देखो सील इसके ऊपर भी है. ये है रिमोट के साथ के कनेक्टर्स, तीन आते हैं. एक है अपना आईफोन के लिए लाइटनिंग कनेक्टर, एक है टाइप सी जो अभी नए एंड्रॉयड डिवाइस आते हैं, एक है पुराना वाला जिसको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो सॉकेट वो है. जो ये तीनों में से जो भी फ़ोन आपको ज्वाइन करना है वो लगेगा रिमोट कंट्रोल के अंदर. तो ये निकला है उसके अंदर से. और क्या है, ये है स्क्रू ड्राइवर, इसको नहीं खोलते. ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है उसके प्रोपेलर्स को टाइट करने के लिए, आप अगर देख सकते हो तो ये सब टाइट करने के लिए है. अगर आपको प्रोपेलर्स चेंज करने, अगर ख़राब हो गया कुछ बिगड़ा हुआ हुआ तो चेंज करने के लिए ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर. उसके अंदर और क्या है, ये है दो तीन वायर, पता नहीं किस चीज़ के हैं, आई थिंक चार्जिंग के है. बैटरी, बैटरी का केस चार्ज करने के लिए. मानांक आ जा, तू भी आ जा बीच में. हाँ, ये है एक ड्रोन चार्ज करने के लिए, एक बैटरी चार्ज करने के लिए, और ये क्या है पता नहीं है उसको, एक्स्ट्रा जॉयस्टिक है. अगर रिमोट में से अगर जॉयस्टिक चली जाती है
तो ये एक्स्ट्रा जॉयस्टिक है देयर विद मी, जिसके जिसके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चों को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मानांग चुप, ये देखो मानांग मुझे मार रहा है, मैंने उसको चुप रहने बोला तो मुझे मार रहा है, क्या समझाओगे। और ये है अपना प्यारा सा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक नहीं, ये है अपना प्यारा सा रिमोट ड्रोन का, इसके ऊपर भी सील लगा हुआ है, अभी भी मानांक हमको मारते हुए। तो इसके अंदर भी जॉयस्टिक आता है और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ अपने साथ, तो ये है रिमोट कंट्रोल। ये और वायर्स है, और वायर्स है, नहीं नहीं ये तो कुछ और ही है। तो ये है उसके साथ, थोड़ा कैमरा एंगल चेंज किया है, नेहान नूब है सबको पता है, उसको कैमरा वैमरा आता नहीं है, आधा वीडियो खत्म होने के बाद बोल रही है कि इधर से लाइट कम आ रही है। हमने एंगल थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। तो ये है एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और उसके साथ स्क्रू दिए हुए, तो कभी कोई प्रोपेलर्स टूट गए, पंखा ड्रोन का पंखा टूट गया तो काम लगेगा। और है और बहुत सारी चीज़ें, और ये चीज़ भी है, पता नहीं ये क्या है, ये आई थिंक ये मैनुअल है, हाँ पेपर वर्क, तो ये सब पेपर वर्क है। और ये है बैटरीज, इसके साथ तीन बैटरीज आती है, और पता नहीं ये क्या है, कुछ तो है बाद में देखेंगे। तो इसके साथ तीन बैटरीज आती है, और ये है प्रोपेलर्स को या फिर आपके ड्रोन को बचाने के लिए सुरक्षा कवच, इसको खोल के एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा, एक ही खोल रहा हूँ। ये रहा, ये इसको कवर करता है, तो प्रोपेलर्स कहीं पे ठुक जाए, अपना ड्रोन कहीं जाके ठुक जाए तो बच सकता है, तो ये उसकी वजह, उसके लिए होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं यूज़ करते, हम भी शायद नहीं यूज़ करेंगे, पकड़ने से तो प्लास्टिक ही है ये भी, वैसे तो ये भी प्लास्टिक ही है, बहुत हल्का है, तो कुछ कह नहीं सकते कैसे टूट जाए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं अपने मैविक मिनी के अंदर, सब मैं पैकिंग बाद में करता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। इतना सारा तामझाम हमको मिला है बिकॉज हमने क्लाइमोर कॉम्बो बाई किया हुआ है, तो ये सब एसेसरीज उसके साथ आती है कॉम्बो के अंदर, इसकी वजह से मिली है। अदरवाइज आप अगर DJI मैविक मिनी लोगे तो आपको खाली जॉयस्टिक और ये ड्रोन, ये दो ही चीज़ आती है, ठीक है। तो बस आगे के वीडियो में बने रहिए, क्या आगे का वीडियो तो क्या होगा, अभी अपने को चलाना आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। तो आपको अगले वीडियो में मैं सीख के, अच्छी तरह से सीख के आपको ड्रोन शॉट दिखाऊँगा। अभी के लिए ये उड़ नहीं सकता बिकॉज उसकी सारी बैटरियाँ डिस्चार्ज होती है, अपने को बैटरी डालनी पड़ेगी, चार्ज करनी पड़ेगी, 2-3 घंटा लगेगा, और मेरे ख्याल से रात होने वाली है थोड़ी देर में, आपको कैमरे में पता नहीं चलेगा। बस तो यही था आज का अपना सरप्राइज आप लोगों के लिए, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब मैं आपको अच्छे से इसके सिनेमेटिक्स और ड्रोन शॉट दिखाऊँगा मेरे सोसाइटी के अंदर, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, सी यू इन अनदर व्लॉग, राइड आउट राइड सेफ।